एक्चुअली मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं शाम वाली क्लास आपकी क्यों नहीं ले रहा, 8 बजे वाली। आप ये सोच रहे होंगे कि शाम वाली क्लास आपकी क्यों नहीं आ रही है। समस्या है दोस्तों, है ना। एक्चुअली मैं दिवाली, दोस्तों दिवाली जो हुई थी वो दिवाली दोस्तों औरों के लिए तो दिवाली हो गई, पर मेरे लिए दोस्तों बड़ी समस्या लेकर आई है ना, बहुत बड़ी समस्या दोस्तों लेकर आ गई है। दिवाली दोस्तों जो बम चलते हैं ना रसगुल्ला, उस बम में दोस्तों क्या हो गया है कि आप समझिए कि मैं उससे इफेक्ट हो गया हूँ, या फिर दोस्तों आप समझना कि हो सकता है दोस्तों कि 1.5-2 महीने मुझे दोस्तों यहाँ से दूर भी रहना पड़े, है ना, इस क्लास से भी दूर रहना पड़े 1.5-2 महीने तक। पर दोस्तों मैंने क्लास अभी जारी रखी है मेरी तरफ से, मतलब अभी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप जारी रख सकते हो ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने जारी दोस्तों रखी हुई है क्लास आपकी। पर बात यह है दोस्तों कि अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना अगर ऑपरेशन दोस्तों होता है तो फिर मुझे 1.5-2 महीने जो है छुट्टी ही करनी पड़ेगी। 1.5-2 महीने का दोस्तों फिर तो परमानेंटली छुट्टी करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ाने की छुट्टी करनी पड़ेगी ना अपनी तरफ से। तो मैं कल ही दोस्तों दिखाकर आया था इस चक्कर में, और कल रात को दोस्तों मैं वापस आया दिखा करके, इसलिए मैंने टेलीग्राम पर दोस्तों मैसेज भी डाला था आप सभी के लिए। अब बात यह है कि दोस्तों मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि 1000 जो एपिसोड मेरा आने वाला है मैं इसे पूरे धूमधाम से ले सकूं, ये मेरा प्रयास है अपनी तरफ से, है ना। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, पर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ ना आपके लिए। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या है कि जो बम था ना दोस्तों, मतलब जिसको आप BIP बम कहते हैं या फिर सूतली बम दोस्तों कहते हैं, वो मेरे कान के दोस्तों एकदम बिल्कुल पास में फटा। उसके दोस्तों फटने से क्या हुआ है, मेरा कान जो है डैमेज हो गया है। अब वो कान दोस्तों डैमेज जो हुआ है उसमें मतलब 60% दोस्तों डैमेज हो चुका है कान, है ना। तो ये मुझे कल ही पता लगा रात को दोस्तों, जब मैं आया दिखाकर अलवर, तो कल मुझे पता लगा कि ये वाली प्रॉब्लम जो है हो चुकी है। पर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास आपके लिए करने वाला हूँ जब तक मुझ में हिम्मत होगी। मैंने आपसे पहले भी दोस्तों कहा था कि जब तक मुझ में हिम्मत होगी तब तक मैं आपके बीच में खड़ा रहूँगा, अपनी पूरी शिद्दत से आपकी क्लास लूँगा। शाम वाली क्लास तो मैं अभी नहीं ले पाऊँगा, यह तो तय है ना। सुबह वाली क्लास जब तक, मतलब एक्चुअली दोस्तों कान का संबंध क्या होता है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो कान है ना, मतलब अभी भी दोस्तों कान में मैंने रुई लगा रखी है ना, जिससे मेरी आवाज़ मुझे ना सुनाई दे। अभी भी दोस्तों कान में जो है ना, आप देखोगे तो कान में मैंने रुई लगा रखी है जिससे मेरी जो आवाज़ है वो मुझे ना सुनाई दे, वरना मुझे दोस्तों उससे दर्द होता है, जो आवाज़ सुनती है उससे दर्द होता है। तो इसलिए मेरी आवाज़ मुझे ना सुने, इसलिए मैंने अपने कान में दोस्तों रुई लगा रखी है, ठीक है। तो जब तक मुझसे हो पाएगा मैं आपकी क्लास पूरी लूँगा, जब तक भी ले पाऊँगा ना, मुझे नहीं पता कब तक ले पाऊँगा, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और ये 8 क्लास में बची हुई है, पर आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, ऐसी मुझे उम्मीद और ऐसा मुझे विश्वास है कि जब मैंने कुछ गलत किया नहीं इस लाइफ में, तो आगे भी दोस्तों नहीं होगा ना, मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। पर कोई ना, जो भी होगा देखा जाएगा। पर मैं आपसे इतनी बात कह रहा हूँ कि सुबह वाली क्लास में लगातार लूँगा आपकी, जब तक डॉक्टर मुझे मना नहीं करेगा ना। कल मैंने उससे पूछा भी था, पर उसने कहा कि ठीक है आप लीजिए क्लास, पर मुझे बोलने में समस्या आती है ना, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितना भी हो सके मेरे साथ सुबह पढ़ने की कोशिश करना 6:30 बजे, क्योंकि अगर कोई इंसान दर्द में आपको पढ़ा रहा है ना, तो आप यकीन मानिए कि वो आपको अपनी तरफ से 100% देगा। वादा रहा मेरा आप सभी से कि जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूँ तब तक मैं अपनी तरफ से पूरा 100% आपको दूंगा, जब तक मुझे देना होगा, ठीक है। तो